वी के डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे टोमेटो राइस, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे सुबह या शाम के नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। तो ये हमने एक कप चावल लिया है, मैंने इसे उबाल करके बॉयल करके रख लिया है। अगर आपके पास बचा हुआ चावल है तो आप उसे भी ले सकते हैं, ये बहुत टेस्टी नाश्ता बनता है। चावल को मैंने उबाल लिया है पहले से। अगर आपको चावल उबालने के लिए वीडियो देखना है तो आप वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, आप देख सकते हैं और चावल बना सकते हैं। चावल बिल्कुल भरभरा होना चाहिए, चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, तभी ये नाश्ता खाने में अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसके अंदर डालने के लिए हमने लिया है एक डंडी करी पत्ता, इसे मैंने तोड़ करके रख लिया है। 7 से 8 कलियां लहसुन का है, इसे मैंने पतले लच्छों में काट लिया है। और एक टुकड़ा अदरक का, इसे भी मैंने बड़े बड़े टुकड़े में थोड़े से काट लिए हैं। 2 हरी मिर्च, इसे मैंने बीच से काट लिया है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 प्याज मैंने छील करके और इसके लंबे लंबे लच्छे काट लिए हैं। 1/2 छोटा चम्मच हमने गर्म मसाला पाउडर लिया है। 1 बड़ा चम्मच घी, घी की जगह आप तेल भी ले सकते हैं। नमक हमें स्वाद अनुसार लेना है। और 1 छोटा चम्मच हमने पाव भाजी मसाला लिया है, अगर आपके पास है तो जरूर डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आपके पास ये मसाला नहीं है तो भी ये नाश्ता खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। 2 टमाटर को मैंने छोटे टुकड़े में काट करके रख लिया है। 2 बड़ा चम्मच हमने खड़ी मूंगफली लिया है। 1/2 चम्मच खड़ा जीरा, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमने लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो टोमेटो राइस बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया है, गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसके अंदर घी डाल देंगे, इसे मेल्ट होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर जीरा डालेंगे, इसे हल्का सा ब्राउन होने देंगे। आंच को हम धीमा कर देंगे और इसके अंदर अदरक, हरी मिर्च और लहसुन की कलियां, प्याज और करी पत्ता, ये सारी चीजें डाल देंगे। इसे हमें हल्का सा ब्राउन होने तक भूनना है। तो प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन हो गई है तो इसे हम 1 मिनट तक और भूनेंगे। तो इसके साथ इसमें ये मूंगफली भी डाल देंगे, इसके साथ ही ये भी अच्छे से भून जाएगी। आप चाहें तो मूंगफली को अलग से भी भून करके डाल सकते हैं। तो 1 से 2 मिनट तक इसे हम भून लेंगे। मीडियम स्लो आंच पर मैंने इसे बराबर चलाते हुए भून लिया है। तो आप देख सकते हैं मूंगफली के दाने हमारे हल्के से चिटकने लगे हैं। तो ये अच्छी तरीके से भून चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर एक हल्दी पाउडर डाल देंगे, इसे मिला देंगे और इसके साथ ही इसमें इकट्ठे हुए टमाटर डालेंगे। आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी बनाकर डाल सकते हैं और इस तरीके से कट करके डाल सकते हैं। इसे बराबर चलाते हुए हम 2 मिनट तक भून लेते हैं। बराबर चलाते जाएंगे और ये टमाटर हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ये मसाले डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, पाव भाजी मसाला और डालेंगे इसके अंदर नमक। तो नमक हमें स्वाद अनुसार लेना है, 1/2 चम्मच नमक इसके अंदर हम डाल देंगे। नमक आप बाद में टेस्ट भी कर सकते हैं। इसे मिला लेते हैं। इसमें मैंने आंच को बिल्कुल धीमा कर दिया है जिससे मसाले हमारे जले ना और अच्छी तरीके से भून जाए। तो मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम इसके अंदर ये पके हुए राइस डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। अभी मैंने आंच को बिल्कुल धीमा रखा है, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। टोमेटो राइस बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमें अच्छी तरीके से 2 मिनट तक भून लेना है। तो सारी चीज़ें हमारी पहले से पकी हुई हैं, चावल भी और टमाटर मसाला सब अच्छे से पक चुका है। बस इसे हमें थोड़ा सा भून लेना है जिससे और टेस्टी बन जाए। आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी ऐसे ही अच्छा लगता है। तो बस, तो हमारा टोमेटो राइस अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकालेंगे।
आप देख सकते हैं कितना खिला खिला चावल, कलरफुल, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइए इसे, ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इस तरीके से टोमेटो राइस बनाइए और खाइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।